हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो काफ़ी यम्मी रहने वाला है, क्योंकि हम एक रेस्टोरेंट को कवर करने आए हैं। मेरे पीछे है इंडियन ढाबा कंपनी। जी हाँ, ये कहाँ पर है आपको मैं बता दूंगा वीडियो में कब से कब तक ये ओपन रहता है, और अंदर हम जब जाएंगे तो आपको मेन्यू भी दिखाई देंगे और क्या क्या खाते हैं वो आप लोग हमारे साथ एंजॉय करिएगा। सो कभी कभी हम ये रेस्टोरेंट्स भी कवर कर लेते हैं। बेसिकली आज इतनी दूर आने का रीज़न ये था कि भाई आरती का बर्थडे था, तो हम लोकेशन ढूंढ रहे थे, तो मेरा भाई ग्रेटर नोएडा रहता है, उसने ये ढाबा सजेस्ट किया कि यहाँ पर फूड अच्छा है तो और बड़ा भी है, काफ़ी अंदर चलते हैं। सो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर करना भूलना नहीं। अंदर चलते हैं फटाफट से, अपनी टम्मी को फिल करते हैं क्योंकि इसकी भी खाली हो रही है। सो ये जो है ना गलेरिया मार्केट में पड़ता है, गौर सिटी 2, और ये जो है ना गलेरिया मार्केट है, इसके पीछे बिल्कुल बैक साइड में आप आओगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे। तो अभी जो है अंदर चलते हैं। तो अब घुसते हैं, आपको एम्बियंस जो है ना इसका काफ़ी बड़ा नज़र आने वाला है, और मेन्यू तो अभी धीरे धीरे पता लगेगा, बट यहाँ पर जो है ये एंट्री है इसकी। सो मैं आपको एक राउंड करा देता हूँ पहले, फिर हम ऑर्डर देंगे। सो अंदर का जो है कुछ आप ऐसे देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा इनका काउंटर है जहाँ पर फूड कुक हो रहा है और यहाँ से सर्व हो रहा है, और सामने जो है वहाँ पर रिसेप्शन है जहाँ पर आप जाके बिलिंग वगैरह करा सकते हैं। काउंटर बना हुआ है बिलिंग का बेसिकली रिसेप्शन, और ये सारा सिटिंग का इनका एरिया, इस तरीके की सीट आपको मिल जाएगी। एयर कंडीशन है ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट आपका रहने वाला है, एसी वगैरह लगे हुए हैं, प्रॉपर कूलिंग हो रही है, फैंस भी हैं, कूलर्स भी हैं एक्स्ट्रा, और लाइटिंग वाइटिंग की बात कर लूँ तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे शायद ये योर ऑर्डर इज़ रेडी काउंटर बना रखे हैं, कॉन्टिनेंटल, इंडियन स्टार्टर, इंडियन मेन कोर्स, तो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। प्रॉपर अपना जो है हाइजीनिक भी है काफ़ी। ये देखिए यहाँ पर काउंटर अलग अलग बने हुए हैं, चाइनीज़ है, साउथ इंडियन है, तो यहीं पर ऐसे कुक होता होगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये चाट कॉर्नर है, तो यहाँ पर ये देखिए गोलगप्पे वगैरह लगे हुए हैं, अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, दही भल्ले वगैरह, और साउथ इंडियन भी है तो अपना छोले भटूरे वगैरह भी यहाँ मिल जाते हैं, अंदर सब्जियाँ वगैरह पड़ी हैं। और ये वाला कोल्ड ड्रिंक काउंटर आ गया, डेजर्ट का काउंटर आ गया यहाँ पर, आपको देखो ये बड़े बड़े डेजर्ट हैं यहाँ पर भैया के पास। ये देखो गुलाब जामुन है, खीर है, बहुत कुछ है। हाँ जी, हाँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रस मलाई भी है, तो सब कुछ है भाई। हैं, अरे वाह, रबड़ी विद जलेबी भी है भाई, ठीक है। और ये पहुंच गया मैं इनके वहाँ से निकल के आया था ना अंदर, ये देख रहे हो कितना बड़ा है, मतलब अच्छा है सिटिंग। और यहाँ पर मैं पहुंच गया हूँ, ये बिलिंग है इनका, यहाँ पर आपको बिलिंग करानी होगी। मैंने मेन्यू जो है आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर पोज करके क्लियर नज़र आ जाए तो, नहीं तो मैं आपको अलग से भी दिखा दूंगा। वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी आपको अंदर मिल जाती है, तो काफ़ी सही रहने वाला है अंदर। वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह भी अच्छी लगाई गई हैं, ये देखिए इधर जो है स्वैग देसी, ये वो इंडियन ढाबा। सो भाई वो रही बर्थडे गर्ल, और उसके फेवरेट हैं गोलगप्पे, जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, हमने गोलगप्पे मंगवाए हैं। और क्या ऑर्डर करा अभी? राज कचौड़ी ऑर्डर करी है। तब तक आप ये देखो गोलगप्पे, पानी ऐसे आया, दो फ्लेवर आए हैं, खट्टा मीठा, और 8 पीसेज है। प्राइजेज भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ, ओनली 60 रुपीज़ के हैं दो प्लेट, एक प्लेट है कितने, 8 गोलगप्पे, ठीक है। सो भाई यहाँ पर जो है ये देखो अपनी ये राज कचौड़ी भी आ गई। राज कचौड़ी का क्या प्राइस था भाई? 135 की है। हाँ, सो ये देखिए ये है इंडियन ढाबा कंपनी का जो है आपका मेन्यू रहने वाला है, और इसके एड्रेस की भी बात कर लूँ तो आपको देखिए स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, ये लिखा हुआ गौर सिटी 2 क्लब, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, और कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका दिया हुआ है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, इन्जॉय करिए। अभी तक तो हमने गोलगप्पे और वो खाए हैं, तो काफ़ी टेस्टी लगा दोनों चीज़ें। एक मेन्यू पर आपको नज़र करवा देते हैं, आप जो है आइडिया देता हूँ। देखिए यहाँ पर नॉर्थ इंडियन ब्रेड्स भी मुझे नज़र आ रही हैं सामने स्क्रीन पे, आपको रेट्स भी नज़र आ रहे होंगे, जो कि ज़्यादा मुझे बहुत ऐसा भी नहीं लग रहा कि कॉस्टली हो, रीज़नेबल प्राइस है इनका, और आगे आगे जैसे खाएंगे आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, सूप्स हैं, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये वेज रेस्टोरेंट है, आपको ये बता दूँ, प्योर वेज रेस्टोरेंट रहने वाला आपका। डेजर्ट्स में आपको बहुत सारी चीज़ें वैरायटी मिल रही है, गुलाब जामुन, राजभोग, रबड़ी, बेवरेजेस भी हैं आपको, लिमका वगैरह या कुछ मोजीतो वगैरह, स्ट्रॉबेरी शेक्स वगैरह मिल जाएंगे। पीछे की साइड में अगर मैं जाता हूँ
तो आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडियन डिलाइट स्नैक्स भी मिल रहे हैं, समोसा वगैरह है, पुरानी दिल्ली की चाट वगैरह जो हमने अभी ट्राई करी, बॉम्बे चाट है, साउथ इंडियन में सांभर वड़ा, इडली, डोसा, ये सब आपको मिल जाएगा। कॉम्बोज भी हैं, रुमाली रोटी, नॉर्थ इंडियन कॉम्बोज भी हैं यहाँ पर, अगर आपको मक्की की रोटी, तो खैर चलो सीजनल हो गया, और ढाबा थाली है, नॉर्थ इंडियन स्टार्टर्स हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर सारा देख पा रहे हो, तो काफ़ी कुछ है, इनका मेन्यू बहुत बड़ा है। ये देखो भाई, माँ बेटे का प्यार कैसा लगा भाई, और गोलगप्पे कैसे थे? बढ़िया एकदम, दोनों चीज़ें बढ़िया अभी तक। सो भाई गर्व, अब क्या ऑर्डर करा है? तंदूरी मोमोस। ओहो, मोमो खाएगा, वेज तंदूरी मोमो ऑर्डर करें इन लोगों ने। और भी कुछ करा है? पिज्जा। क्या बात है, सो जी लो जी, हमारे वेज तंदूरी मोमोज आ गए यहाँ पर। लो जी भाई, अपनी प्लेट में लगे दो मोमोज, हम सब टेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। आहा, तो मैम आपका पिज़्ज़ा आया, हैप्पी बर्थडे, प्लीज़ कट इट। सो दोस्तों, यहाँ पर जो है, आज आपने जो है अभी तक केक देखा, बर्थडे पे काटते हैं, तो हमने केक मंगवाया नहीं क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है केक कटिंग का, हम पिज़्ज़ा काटेंगे। आप पिज़्ज़ा काटिए करीब, ये लीजिए, ये फोक से काटिए, फोक से काटिए, फोक से काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। ये तुम ही खाओगी, मम्मी खिलाएगी भाई, शाबाश, हैप्पी बर्थडे, फोटो भी हो जाएगा। सो लो जी, करते हैं चीयर्स, हैप्पी बर्थडे टू आरती। तो यहाँ पर जो है, अब गर्व हमें डांस करके दिखाएगा क्योंकि इसकी मम्मी का बर्थडे है। चल भाई, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी, मेरा तो मेरे बंदों ने देखा हुआ है जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, यूट्यूब वीडियो पे मैं डालता रहता हूँ, इन सब ने देखा है। अब आपका डांस देखना चाहते हैं, हो जाए। एक भंगड़ा ही पा दो, भंगड़ा हमारे दर्शकों के लिए, भंगड़ा पा दो, वीडियो लाइक करेंगे। एक भंगड़ा, ये बल्ले बल्ले, हाँ लाइक भी कर दो भाई अब। सो मैम आपका ये डोसा, आप करिए कैरी ऑन, एंजॉय करिए। सो भाई, अब हमने जो ऑर्डर करा है वो है कुछ साउथ इंडियन, प्लेन रवा डोसा। ये देख रहे हो, बढ़िया लग रहा है, सांभर वाम्बर चटनी के साथ आया, बढ़िया था। प्लेन मंगवाया क्योंकि वो हैवी हो जाता, बहुत सी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आ गए हमारे स्प्रिंग रोल। गर्व ना यहाँ पे कुछ खाना चाह रहे हैं, मुझे लगा कि गर्व है। अच्छा, उसका मुँह ना खुले, मुझे लगा शायद गर्म है या फिर मिर्च है, कह रहा नहीं हूँ करी जा रहा है, अब ये बताना चाहता है कुछ। हाँ भाई, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो भाई ये इतना अच्छा लगा इसको कि इसके मुँह ही बंद हो गया, हमने लगा जब मिर्च खा ली इतने बहुत दिन। सो हमारा जो है भाई, ये लास्ट का आ गया अपना आज का, ये है फ्राइड राइस, मंचूरियन, और अभी तक जितनी चीज़ें हमने खाई हैं सबका जो है, घर ने तो आपको बताया ही है, आरती ने बताया, मम्मी ने बताया, और मेरा पर्सनल भी जो रहा टेस्ट बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। और मतलब नोएडा में आप रहते हो, दिल्ली में हो, अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, नोएडा वाले तो आराम से आ सकते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली भी आ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग पता नहीं कहाँ कहाँ खाने पीने जाते हैं। तो ये जो है देखो, राइस तो 160 रुपये के हैं, मैं रेट भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया है, और मंचूरियन 180 के आसपास के, तो ठीक है भैया, मेन्यू उधर रखो और सर्व करो। और ये रहा मंचूरियन, मंचूरियन नहीं खाता है भाई दोस्तों, हो कोई बात नहीं, आज खा लेगा। सो भाई, हमने अब खा लिया हमारा, अब पेट भर गया। जब हम आए थे ना यहाँ पे लोग बैठे होते, और अब तो हम अकेले रह गए, बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा, मेरा पेट भर चुका है। और मतलब मैं अपना रिव्यू दूँ तो बहुत स्वाद था, मुझे हर चीज़ अच्छी लगी, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। अभी गर्व से पूछ लेते हैं, गर्व को कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, लेकिन गोलगप्पे और फ्राइड राइस कह रहा है बहुत अच्छे थे। और तुम्हें क्या अच्छा लगा भाई? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है खाने का, पर अच्छा होना चाहिए। खाने का होना चाहिए, सब अच्छा लगता है। और हमारी माता जी भी, सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा। सो यहाँ पर जो आप कैपेसिटी देख रहे हैं ना, ये जो कुर्सियाँ हैं, करीब 165 लोगों के लिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, और लोग भी आए हुए हैं। वैसे अभी दोपहर के टाइम ज़्यादा थे, 5 बज गए हैं तो कम हो गए हैं, तो
तो आप अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है बर्थडे वगैरह अरेंजमेंट या कुछ आपको और पार्टीज़ वगैरह करनी है तो आराम से 70-80% का ही मैंने अभी पूछा तो अरेंजमेंट कर देते हैं, बुफे वगैरह लगा के अपना आप पार्टी यहाँ पर आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। सो अच्छा लगा मुझे काफ़ी। सो फ्रेंड्स, लास्ट में हमने मंगवाई कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने जो भी खाया ना वो काफ़ी टेस्टी था, हमको तो सब पसंद आया। साथ साथ मैंने आपको बताया भी हमने क्या खाया और आपको रिव्यू भी देते रहे। आप यहाँ आ सकते हो, पार्टी करो, अपना वैसे भी आ सकते हो फैमिली के साथ। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मज़ा आ गया यहाँ पर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, क्योंकि आरती का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे लिखना हो तो लिख दीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।